Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for Bollywood news. माथे पर सिंदूर और सिद्धार्थ का बिंदास अंदाज जल्द ही दिखने वाला है। एक बार फिर से अपने आइटम सॉन्ग से हंगामा मचाने वाली है कैटरीना। फेसबुक पर कैटरीना कैफ ने कुछ तस्वीरें साझा की। फेसबुक पर ये तस्वीरें धमाल मचा रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बार बार देखो का प्रमोशन शुरू कर दिया है। फिल्म सितंबर में रिलीज होगी, लेकिन इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। इस फिल्म में कैट का एक आइटम नंबर काला चश्मा फिल्माया गया है। इस गाने में कैटरीना का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। एक तो कैटरीना इस तस्वीर में सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही हैं। ऊपर से काले चश्मे ने इस पूरे गाने को लेकर एक सस्पेंस खड़ा कर दिया है। कैटरीना के दीवाने इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस गाने में कैटरीना के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी होंगे। ये गाना फिल्म के ट्रेलर से पहले आएगा। सूत्रों की माने तो ये एक रोमांटिक फिल्म होगी। ये कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो फ्यूचर देख सकता है। माना जा रहा है कि ये फिल्म कैटरीना के लिए बेहद अहम है। इससे पहले उनकी फिल्म फितूर बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर सकी। ऐसे में कैटरीना एक हिट फिल्म के इंतजार में है। इस फिल्म में सिद्धार्थ और कैटरीना की जोड़ी कमाल की लग रही है। दोनों ने इसके लिए खूब मेहनत की है। वेल, कैट की फिल्म का वाकई में इंतजार है सबको। बॉलीवुड के बाजीराव एक्टर रणवीर सिंह ने मदारी एक्टर की खूब तारीफ की। क्या कहा रणवीर ने, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने इरफान खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो बेहतरीन कलाकार हैं और उन्होंने फिल्म मदारी में अपना बेहतरीन काम किया है। रणवीर ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर कहा, ये हिंदी सिनेमा के लिए इम्पोर्टेंट और वंडरफुल है, जो बेहतरीन कलाकार है। इस फिल्म ने मुझे अंदर से हिला दिया। उन्होंने कहा, इरफान साहब दुनिया के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में फेमस है। उनके बारे में कुछ नहीं कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उनका काम बोलता है। उन्होंने फिल्म मदारी के टैगलाइन देश सो रहा है को वेल एडवाइज कहा और साथ ही कहा कि ऐसा काफी सोच विचार कर तय किया गया। रणवीर ने इरफान के साथ साथ निर्देशक निशिकांत कामत के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि निशिकांत कामत महत्वपूर्ण निर्देशक है और उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है। उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई है। मदारी शुक्रवार को रिलीज हुई, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बॉलीवुड की देसी गर्ल बेवॉच में खलनायिका का किरदार निभाने को लेकर बेहद खुश है। इस रोल को लेकर क्या कह रही है प्रियंका, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि उनकी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म बेवॉच उनके द्वारा निभाया गया खलनायिकी का किरदार सबसे अच्छा हिस्सा है। अमेरिकी टेलीविजन शो क्वांटिको में नजर आ चुकी प्रियंका का मानना है कि खलनायिका का किरदार निभाना एक लत की तरह है, क्योंकि असल जीवन में हम ऐसा नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि द रॉक का ऐसी किसी खलनायिकी से सामना हुआ होगा। वो काफी अच्छे हैं, लेकिन विक्टोरिया एक शैतान है। एक्ट्रेस ने कनाडा की एक फैशन पत्रिका फ्लेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। प्रियंका फिलहाल अमेरिकी टेलीविजन शो क्वांटिको के दूसरे संस्करण की शूटिंग में बिजी हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका की अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म बेवॉच 1990 के एक लोकप्रिय टेलीविजन शो पर आधारित है। इसमें प्रियंका को विक्टोरिया लीड्स की भूमिका में देखा जाएगा। ऋतिक की काबिल में सनी का स्पेशल गाने को लेकर सनी को नहीं है कोई भी कंफर्मेशन। क्या कह रही है ये आइटम गर्ल स्पेशल सॉन्ग को लेकर, हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्टर सनी लियोनी को लेकर खबरें आई थी कि वो ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म कबाली में एक स्पेशल गाने में नजर आ सकती हैं। वही जब इस बारे में सनी से कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है।
कुछ भी पक्का नहीं है। इससे पहले सनी ने निर्देशक संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में मशहूर आइटम नंबर लैला किया है। राकेश रोशन द्वारा निर्मित काबिल में एक्टर ऋतिक और एक्ट्रेस यामी गौतम होंगी। संजय गुप्ता निर्देशित फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। हाल ही में क्रिश 3 स्टार ने लियोनी को कपकेक भेजे थे। ऋतिक ने एक सोशल साइट पर एक केक की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसे देख कर सनी ने लिखा, मुझे जलन हो रही है, सोच रही हूँ इसे बाहर निकाल कर खा लूं। सनी ने कहा, ऋतिक ने मुझे कपकेक भेजे, मैं पूरी तरह से हैरान थी, मैं बेहद खुश हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वेल, अब ये भी देखने वाली बात होगी कि सनी का काबिल फिल्म में आइटम सॉन्ग होगा या फिर नहीं। फिल्म के बाद साथ में टीवी शो होस्ट करेंगे बॉलीवुड के न्यू मैरिड कपल बिपाशा एंड करण सिंह ग्रोवर। क्या है पूरी खबर, हैव अ लुक। बॉलीवुड के न्यू मैरिड कपल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर एक साथ शो को होस्ट करते नजर आ सकती हैं। चर्चा है कि एक ट्रैवल शो के प्रोड्यूसर ने दोनों को एक साथ काम करने का ऑफर दिया है, वो भी एक साथ दो शो का ऑफर। बिपाशा और करण शो के होस्ट होंगे। दोनों फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिपाशा और करण को शादी के बाद से कई ऑफर मिल रहे हैं और वो इनमें से कुछ को चुनेंगे। बिपाशा और करण ने 2015 में रिलीज फिल्म अलोन में साथ काम किया था। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन असल जिंदगी में उनकी जोड़ी हिट हो गई। सूत्रों के अनुसार बिपाशा और करण सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं, साथ ही अपने ट्रैवलिंग इंटरेस्ट के लिए भी खबरों में बने रहते हैं। इसी को देखते हुए उन्हें ट्रैवल शो के लिए अप्रोच किया गया है। बिपाशा ने इसकी कंफर्मेशन करते हुए इतना जरूर कहा, यह ऑफर मिला है लेकिन कुछ चीजें तय होना अभी बाकी है। करण के साथ ये शो बेहद फनी होने वाला है, सो बिप्स के फैंस को इंतजार रहेगा कि वो अपने पति करण के साथ ये शो करेगी या नहीं। फिलहाल बॉलीवुड खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।